भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आज आपको एक ऐसे हॉस्पिटल से रूबरू कराएगी जिससे कहीं ना कहीं न जाने कितने ही लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो बहुत है लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा के लिए खोला जाए, उस हॉस्पिटल से न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें उम्मीद होती है कि शायद उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए। मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, बोर्ड है HKD हॉस्पिटल्स, यानी कि 24 घंटे आपातकालीन सेवा। ये हॉस्पिटल जो खोला गया है, ये खोला गया है बीसरू रोड पर, यानी कि जो तहसील है, तहसील से पहले ही ये हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है, स्थापित यहाँ पर किया गया। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाए कि इसका पूरा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, HKD हॉस्पिटल्स पुनाना, पहले पेट्रोल पंप पड़ेगा फिर ये हॉस्पिटल पड़ेगा। आइए हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं किस तरीके से लोगों की सेवा की जाएगी और साथ ही यहाँ के लोगों की इस हॉस्पिटल से क्या क्या उम्मीदें हैं। HKD हॉस्पिटल्स के बिल्कुल अंदर हम लोग मौजूद हैं क्योंकि आज इनका उद्घाटन किया गया है, आज ही इन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है। दरअसल हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे लेकिन सुविधाओं का अभाव बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि हम ये जानेंगे कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी और किस तरीके के डॉक्टर इनके पास मौजूद हैं जो आपका सही तरीके से इलाज करेंगे। हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर असलम जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, थैंक यू। डॉक्टर असलम जी, आप बताइए कि ये क्या चीज़ है जो ये अंदर का क्या है? एक्स्ट्रा रूम पैथोलॉजी लैब। एक मिनट, ये एक्सरा एंड पैथोलॉजी लैब के लिए सुविधा है। अच्छा, जिसमें अपना एक्सरा पेशेंटों के लिए और खून की जांचें की सुविधा दी जाएंगी। अच्छा, तो ये मशीन है पूरी है? हाँ, ये एक्सरा की मशीन है अपनी सारी। इससे एक्सरा होगा? इससे एक्सरा होगा, सारे प्रकार के एक्सरे करे जाएंगे, जो भी प्रकार की है, चेस्ट का है, हड्डियों का है, पैर का है, हाथ का है, सारी सुविधा एक्सरे से की जाएंगी। खून जांच वगैरह? हाँ, खून की जांच सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल। सारे कौन कौन सी बीमारियाँ? ज़्यादा करके हमारे यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। जनरल फिजिशियन के तौर पर जो भी बीमारियाँ होती हैं, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है, और जिसमें सभी प्रकार की अपने ऑपरेशन की सुविधा दी गई हैं, सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे और फिजिशियन के तौर पर सारी सुविधा दी जाएंगी अपने यहाँ पे। होम्योथेरेपी कुछ नहीं है? हाँ, फिलहाल तो अभी यही रखेंगे जिसमें अपने आईसीयू की सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है, और अपना जनरल वार्ड्स हैं, और अपना वैसे ये मतलब कि आप लोगों को लैब हो गया है ना? हाँ, ये लैब हो गया जिसमें एक्सरा और लैब की सुविधा दोनों ही प्रकार हैं। चलिए देखिए, ये जो हम लोगों ने आपको दिखाया है ये पहली लैब है। दूसरे रूम में हम लोग एंट्री करते हैं जहाँ पर बहुत सारे बेड्स लगा रखे हैं, और ये बेड्स वो होंगे जहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको यहाँ पर रेस्ट के लिए, इसके अलावा कोई ड्रिप लगानी है, सुई लगानी है, वही चीज़ है ना जी? ये अपना जनरल वार्ड है, जो भी पेशेंट आएगा, जो भी हम एडमिट करेंगे IPD में, वहाँ पे हम फ्लूड्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह सारे यहीं रखेंगे हम यहाँ पे ना? जी। इसके आगे मतलब कि अच्छा, आगे और कौन कौन से रूम बना रखे हैं, क्या क्या बना रखा है आगे? चलिए आइए आगे चलते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये एक ही है ना? चलिए, ये प्राइवेट रूम है अपना। अच्छा, जी। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी अपने पेशेंट हैं ICU वगैरह के लिए, इमरजेंसी केस होते हैं जो ICU की जरूरत होती है, या ऑपरेशन थिएटर के जो भी पेशेंट होते हैं, तो हम इनमें शिफ्ट कराते हैं उनको। ये है ऑपरेशन थिएटर है ना? जी। अच्छा, मतलब इसमें किस किस चीज़ का ऑपरेशन होता है? इसमें अपना सारे नॉर्मली ऑपरेशन जो होते हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन होता है, पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, हरिनिया का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है, और जैसे भी सभी प्रकार की इमरजेंसी हैं सबको कवर करते हैं इसमें हम। एक्सीडेंटल केस वगैरह, पॉइजन केस वगैरह सारे हम इसमें लेते हैं। हाँ, महिला के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए सबसे बढ़िया सुविधा है, जिसमें डिलीवरी की सुविधा भी हम देते हैं। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन भी कराते हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा जी, तो महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, जो भी हम सुविधा दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि सारे गायनों के पेशेंट हैं, जो भी लेडीज पेशेंट हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को हमारे यहाँ पे लेडीज डॉक्टर द्वारा और विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं MBBS डॉक्टर SK तिवारी के पास में, क्योंकि HKD हॉस्पिटल जो यहाँ पर स्थापित किया गया है उसको लेकर के जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जितने मरीज आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनकी बीमारियों का
जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में तफसील से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए इसके द्वारा जी। अच्छा ये बताइए किस तरीके से ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं? मेनली जो है मेरा MDTV चेस्ट में है, तो जो फिशियन केस है वो मैं ट्रीट करूँगा। मेवात में चेस्ट के तो काफ़ी पेशेंट हैं, क्योंकि मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ भी 90% मेवात से पेशेंट आते हैं, तो चेस्ट के काफ़ी हैं। तो आपके पास लोग जाते थे चेस्ट से रिलेटेड जो बीमारी? हाँ, कैसा रिस्पॉन्स रहा जनता? नहीं, रिस्पॉन्स तो अच्छा है। अच्छा। और करीब ये नू है, पुनाना है, जितने मेवात के इसमें पेशेंट काफ़ी हैं। अब आप लोग कितने पेशेंट्स हैं, क्या बोलने की, क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपके इलाके में पास में आप बैठेंगे रोजाना? नहीं, यहाँ रोजाना तो नहीं बैठेंगे, यहाँ मैं वीकली विजिट करूँगा। वीकली? अच्छा, तो वीकली आज कोई डेट क्या अभी तक? नहीं, अभी तो ओपन किया है, तो लेकिन शनिवार का शनिवार मैं हमेशा हूँ। शनिवार ये डॉक्टर इमरान है, ये लड़का BMS अभी किया है, तो वो बैठेगा लगातार। फिलहाल हम उन डॉक्टर्स के बीच में मौजूद हैं जो कि आपकी सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। सबसे पहले BMS डॉक्टर इमरान खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नितेश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि BMS हैं। वहीं हम लोग, क्या नाम बताया अपना? अनिल पोसवाल जी, जो कि ये भी BMS डिग्री होल्डर हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी तरीके से सेवा और आपका ट्रीटमेंट में अपना अहम योगदान निभाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ही होगा, अच्छा ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग, मतलब क्या उम्मीद लोगों की होंगी, किस तरीके से खड़ा उतरेंगे यहाँ पे? क्या आपकी मेवा थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका, हम ऑलरेडी रनिंग हॉस्पिटल हमारा रनिंग में है, गांव बामनीखेड़ा, तहसील पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल। तो हमने उसको सोचते हुए यहाँ पे एक सेटअप बनाया है कि लोगों को होडल, पलवल, अलवर जाने की जरूरत ना पड़े, वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ पे देंगे, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, ये सारी सुविधाएँ, ऑपरेशन, सारी सुविधाएँ हम यहाँ पर सही रेट में लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सोचते हमने हॉस्पिटल यहाँ सेटअप तैयार किया है, यहाँ पर HKD हॉस्पिटल। बाकी मतलब जैसे स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, चमड़ी के डॉक्टर है हमारे पास, फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? गायनेकोलॉजी, जैसे चमड़ी की बीमारियाँ हैं, इसमें सोराइसिस है, एक्जिमा है, वगैरह वगैरह सारी बीमारियाँ, एक्जिमा, स्कैबीज, एक्ने, कॉमडम, ये सारी बीमारियों को चमड़ी का इलाज यहाँ पे होगा। गायनेकोलॉजिस्ट में स्त्री से जो भी समस्याएँ लेडीज से रिलेटेड, वो सारी बीमारियों का इलाज होगा। जनरल फिजिशियन, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को मिलेगी, उनको होडल, पलवल, अलवर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएंगी, उनसे उनका वक्त भी बचेगा, रेट में भी किफ़ायती मिलेगी उनको। समय के साथ में पैसों की बचत के लिए अगर आपको आना है तो HKD हॉस्पिटल में आइएगा और यहाँ पर बेहतर इलाज आप लोग करवाइएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई सारे हॉस्पिटल्स हम लोग घूमे, कई सारे डॉक्टर्स से हम लोगों ने मुलाकात की, जाना कि आखिरकार किस तरीके की सुविधाएँ लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अज्ञानता की वजह से या फिर छोटी मोटी गलतियों की वजह से लोग अगर हम पेशेंट्स की बातें करें, लोगों में पेशेंट्स की हम बातें कर रहे हैं, वो छोटी सी गलती से अपने हाथ धो बैठते हैं अपनी जान से। इसके अलावा आप भी अपनी बात रखेंगे? नहीं, पुनाना में जैसे जैसा कि हमारे सर हैं इमरान सर, तो इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो ये रनिंग में है कम से कम पिछले 5 साल से, ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। यदि यहाँ का पिछला इलाका है तो यहाँ का अपनी बात, यदि यहाँ का पेशेंट आता है तो इसको अच्छी कम समय में और कम बेहतर सुविधा मिलेगी। तो हम बातें करेंगे सीधा प्रधान जी से, क्योंकि उन्होंने यहाँ का उद्घाटन किया है, उनके एरिया में लगता है और मेवात इलाके को बारीकी से वो समझते हैं और जानते भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस उद्देश्य से इस हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया गया और क्या क्या उम्मीद लेकर के यहाँ पर प्रधान जी आए हैं। तो सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रधान जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं HKD हॉस्पिटल जो यहाँ डाला गया है ना, मेरा ख्याल तो ये है कि ये सबसे बेहतर इसलिए सिद्ध होगा कि मेवात को इस वक्त जो है गुर्बत में जो मेवात रह रहा है ना, इनको कम पैसे में अच्छा इलाज मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। मतलब इसी
इस टाइम पे हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल नाम का कोई सौदा है नहीं आज तक भी। और जब भी कोई मान लो ऐसा पेशेंट सामने आता है तो हम उसको अलवर लेके भागते हैं, पलवल लेके भागते हैं, या फरीदाबाद जाना होता है, लास्ट में जब कहीं पार नहीं पड़ते दिल्ली भागना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए HKD जो हॉस्पिटल है इनका सबसे अच्छा हमने ये देखा कि यहाँ डॉक्टर्स सारे अच्छे हैं और लेडीज़ डिपार्टमेंट भी अच्छा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ये लोग देंगे, ये उम्मीद की जा रही है। महिलाओं की डिलीवरी की बातें करें या फिर महिलाओं की जो पर्सनल समस्याएं होती हैं उनको लेकर लोग बातें करें, तो ये पता कैसे उम्मीद है कि महिला जो रेडी डॉक्टर्स होंगी वो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगी? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमें बहुत दूर भागना पड़ता था, एक तो समय का अभाव बहुत ज़्यादा होता था, ऐसे हम लोग महिलाओं को बचाते बहुत कम थे, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। नहीं, मेरी डॉक्टर इमरान से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि लेडीज़ डिपार्टमेंट के लिए हमने स्पेशल जो है स्पेशल ही उन स्टाफ की जो है रखी है, और जहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत है अगर मान लो कोई ऐसी ज़रूरत आई तो बता रहे हैं कि हम लेडीज़ डिपार्टमेंट में जो है किसी भी डॉक्टर का एक मिनट में ही चयन कर लेंगे और अच्छे डॉक्टर को फिर हमें डाल देंगे। HKD हॉस्पिटल्स के जितने भी मौजूद लोग हैं या फिर यूं कहें कि पूरे स्टाफ की देखभाल करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से कि एक बार सबको दिखा दे, इसके अलावा कुछ स्टाफ के लोग भी यहां पर हैं, साथ ही वो लोग जो कहीं ना कहीं आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर जी से हमारी बातें हो गई हैं, नहीं डॉक्टर से बात हो गई हमारी। अच्छा ये बताइए कि किस मकसद से HKD हॉस्पिटल को यहां पे खोला गया है? नमस्कार जी, मेरा नाम सलीम बाम निकेड़ा से, मैं डॉक्टर तिवारी का असिस्टेंट, अपने दो हॉस्पिटल एक न्यू संजीवन के नाम से बाम निकेड़ा और संजीवन के नाम से मित्रोल पलवल में है, और हमने ये तीसरी ब्रांच आपके मेवात पुनाना में डाली है पब्लिक की सेवा के लिए, जो गरीब तत्व के लोग हैं उनकी हम सेवा कर सकें, कम से कम खर्चे में उनका इलाज कर सकें। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से ये कहेंगे जो जिस परेशानी के लिए वो बाहर जाते थे और वो सारी परेशानी उनकी यहीं पे सोल्व कर दी जाएंगी, छोटे मोटे जितने भी ऑपरेशन हैं, वो पोइजन का केस है, वर्न का केस है, जो भी वो छोटे मोटे केस हैं वो सारे यहीं पे सोल्व बिल्कुल सही रेट पे और सस्ते इलाज किए जाएंगे। अगर कोई मेजर केस होता है और वो फ्री में करना है बाय द वे, जैसे आँखों के ऑपरेशन है ये है, वो तो हम उनको यहाँ से गाड़ी से ले जाएंगे और वो छोड़ जाएंगे, ऑपरेशन फ्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत। बाई चांस अगर यहाँ पे कवर नहीं होता है तो आप उन्हें वहाँ लेके जाएंगे? आँख के ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन में तो आपने कहाँ लेके जाएंगे? परवल, वहाँ सब डायलिसिस वगैरह सब है, ICU यूनिट वगैरह सब है। देखिए ये अपने आप में बड़ी सुविधा है कि अगर आँखों की समस्या यहाँ पे सोल्व नहीं होती है तो उसको लेकर के हम लोग अपने दूसरे हॉस्पिटल लिंक पलवल में लेके जाएंगे और वहाँ का जो चार्ज होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इन ट्रेवलिंग का। इसके अलावा जी नाम बताइए। जी एडवोकेट अकरम जी, एक्चुअल जी 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 एक्चुअल देखिए प्रोफेशन तो जो मेरा एडवोकेसी का प्रोफेशन है, बट रिलेटिव हैं जिन्होंने जो कि हॉस्पिटल को कि प्रारंभ किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जो हैं पल अपने डिस्ट्रिक्ट मेवात के जितने भी बंदे हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन के हों, उन सबको एक मेडिकल फैसिलिटी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और उत्तम जो है कि और सस्ते दामों पर। अब जितने भी हमारे मेवात के जो पेशेंट हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जनरली होता क्या है कि हमारे जो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मोस्टली पेशेंट जो होते हैं हमारे या तो पलवल जाते हैं या फिर अलवर जाते हैं या फिर जो है कि फरीदाबाद जाते हैं, तो उन ऐसे पेशेंटों को बाहर अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह जो है कि बहुत अच्छे तरीके से और जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, अदर जो स्टाफ हैं, वो सारे एक्सपर्ट टीम हैं, MD हैं और अदर जो हैं अदर ब्रांचेज के एक्सपर्ट्स हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर जो है पुनाना में HKD हॉस्पिटल का हमने प्रारंभ किया है,
और कंटिन्यू इसको जो है कि जारी रखेंगे, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा और वक्त दोनों बचेगा, है ना? हाँ जी, आइए। हाँ जी, क्या नाम है? मैं खड़ा होकर बन, मैं जगन्नाथ और जगनी मास्टर बामनीखेड़ा से। मैं ये HKD जो हॉस्पिटल है, ये हमारे जो ताऊ जी हैं हाजी कमालुद्दीन, ये बहुत ही ईमानदार और 200 साल से ये जनता की सेवा करते रहे हैं। इनके दो हॉस्पिटल बामनीखेड़े में भी है संजीवन के नाम से, इन्होंने वहाँ भी जनहित के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। आज इन्होंने अपने इस मेवा क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक ईमानदारी के प्रतीक सारी सुविधाएं देते हैं, एक्सरा ले लैब का और जितने भी ऑपरेशन हैं इनका बहुत ही कम रेट में और हॉस्पिटलों से कम रेट में सुविधा देंगे, अच्छा काम करेंगे। 200 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इनके जो पहले हॉस्पिटल है वहाँ भी इनका अच्छा नाम है और इतनी ईमानदारी के प्रतीक है, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी है और ये जनहित की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं हमेशा हर समय। ऑपरेशन की जो बात है इनकी, इनके पहले बताए थे हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जो तिवारी जी हैं, इनका अपने डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर इतना नाम है, इनके नाम से जानते हैं और एक बार जिस पर हाथ रख गया ना इनको जीवन में कोई भूलेगा नहीं। इनका ये वादा रहा है, इनका हित बहुत ही अच्छे, जिस मरीज से एक बार देख ले दोबारा जिंदगी में किसी के पास नहीं जाएगा। पहली बात तो पहली बार में ठीक कर देते हैं, यहाँ कोई भी किसी प्रकार का लूस कठोस का काम नहीं है, एकदम बिल्कुल सुविधा, इतनी फ्री सेवा भी है और जो आने जाने का आँखों का जो ऑपरेशन का कैंपेन का फुल यहाँ से आने गाड़ी का किराया खाना पीना सब अपनी तरफ से होगा इनका। तो मैं ये चाहता हूँ मेवात की जनता से, पुनः निवासियों से कि इन भाइयों का इनसे फ़ायदा उठाएं। गरीब जनता जो अब तक लुटती आई है वो अपना भूल जाएँ और यहाँ आकर अपनी सेवा का मौका दें, ये आपके लिए तत्पर तैयार होंगे। फैसिलिटी हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी, जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर तिवारी साहब ने बताया है कि भाई आँखों का कोई पेशेंट है तो उनको लाने ले जाने की प्लस में जो अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारे शीफर एक्सपेंसेस होंगे, सुनने होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो बेहतर यही है कि अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जो है कि हमारी फैसिलिटी के साथ साथ में अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी 2-4-5-7 दिनों में ये आँखों का है कैंप लगाने वाले भी हैं, तो हाँ जरूर इनकी सेवा का मौका देंगे। तो मैं पुराना की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसी सुविधा का फ़ायदा उठाएँ और अपनी आँखों की रोशनी को उज्ज्वल बनाएँ।